चला जाता है। तो जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो अच्छाई की तरफ चलते हैं, उन्हीं चीजों का चुनाव करते हैं, और जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो गलत चीजों का चुनाव करते हैं, और फिर वो गलत कर्म फिर गलत फल दे देता है। तो अगर जिंदगी में आलस्य को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, आराम पसंद बन जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो एक भोग का जीवन बन जाता है। परंतु कुछ लोग ऐसा जीवन नहीं पसंद करते, वे भक्ति का जीवन पसंद करते हैं, वे गुरु की सेवा का जीवन पसंद करते हैं, वो योग का जीवन पसंद करते हैं। तो दो तरह के जीवन है, एक भोग का और एक योग का जीवन होता है। जो भोग का जीवन होगा उसमें शुरुआत में तो लगता है कि बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन अंत में दुख की प्राप्ति होती है। परंतु जो योग का जीवन होता है उसमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि थोड़ा कष्ट है, लेकिन बाद में फिर आनंद ही आनंद होता है। जैसे आज सुबह बहुत ठंड थी, बड़ी धुंध थी, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि आराम से लेटे रहते हैं, रजाई में लेटे रहेंगे, सर्दी हो रही है, कौन उठेगा, नहाएगा और फिर आएगा। तो कुछ देर का तो आराम मिला, लेकिन जो आनंद आप सभी भक्तों ने यहाँ पर पाया है उससे वो सब वंचित रह गए। तो भक्त ने प्राप्त किया आनंद। तो सौभाग्यशाली हैं वह लोग जो भक्ति का मार्ग चुनते हैं, योग का मार्ग चुनते हैं। जन्मों जन्मों से हम चलते आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के कर्म करता है। अनंत अनंत जन्मों से हम कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं पहुँचे हैं। कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि 31st की